Assalamu alaikum everyone, my name is Abdullah Khattak and this is a new video finally after a whole month. A lot has happened in this month, ठीक है. मैं कराची गया था लेकिन अभी मैं वापस पेशावर में हूँ. आपको बैकग्राउंड से पता लग रहा होगा, दिस इज माई पेशावर बैकग्राउंड और यहाँ पे उस्मान भी बैठा हुआ है. चुप करो, आराम से बात करो, शुरू करो. अच्छा तो बेसिकली पूरी स्टोरी है यार, वेयर डू आई स्टार्ट. अच्छा तो 2 मार्च को मैं गया था वापस कराची, क्योंकि 2 मार्च को गए थे, मेरी फ्लाइट थी या तुम्हारी थी. 2 मार्च को मैं गया था वापस कराची बिकॉज मेरा प्रॉफ होना था और कुछ मिस लैब सेशंस वगैरह थे जो इन पर्सन यूनिवर्सिटी में होने थे, तो आई हैड टू गो टू कराची. और फिर जो है एग्ज़ाम भी था, फाइनल एग्ज़ाम, प्रॉफ मैन, प्रॉफ फाइनल जिससे लोग जो है काफ़ी डरते हैं, तो वो हुआ और बहुत कुछ हुआ. आई गॉट कोविड वैक्सीन वगैरह एज वेल एंड इट वॉज जस्ट अ लॉट हैपनिंग, ठीक है. तो वो सब अभी आप देखेंगे एंड आई होप यू एंजॉय. यार अखुन. अच्छा अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट. ये मेरे साथ ये मैं अपने ड्राइवर को छोड़ने जा रहा हूँ. बस मेरे ड्राइवर भी इतने हो गए हैं कि डॉक्टर बनेंगे अब. अच्छा अलग तक इधर आ, 2 सेकंड रुकिए. बस मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ अभी. अस्सलाम वालेकुम जी. देखिए मैं अपने बच्चे को छोड़ने आया हूँ, जा रहे ड्राइवर है मेरा ड्राइवर. टिकट अजीत हो गए मोबाइल के. Hi Burhan. Hello. Burhan. Zab Burhan aur da. यहाँ पे अब शाम भी पहुँच गए फ्रॉम इस्लामाबाद. अस्सलाम एंड अदर इस्लामाबाद बॉयज आर हियर. इधर देखो, वो नहीं आने चाह रही ब्लॉग में, छोड़ दे, जाने दे. उसने मुंह छुपाया है, क्या नहीं आने चाह रही. और ये जो आयशा, ये देखो रिच बॉय, पैसे निकाल रही है, पहुँची नहीं अभी तक कराची, पैसे निकाल रही है. और ये अलाइना, हाय अलाइना. मजाक तो कर रहा हूं. हाय यू, कैसे हो? मास्क पहनो. अच्छा भाई, पूरे 1 साल बाद जो है मैं अपने कमरे में आया हूँ, हॉस्टल रूम, ठीक है. ये जो है अभी बैग्स वैग्स वगैरह जो है अभी तक अनपैक नहीं किए. 11:30 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे भी लेट हो गया, 12 तो बजने वाले हैं. आई हैव टू अनपैक ऑल ऑफ दिस एंड या आई हैव टू गेट द कोविड टेस्ट डन टुमारो इन द मॉर्निंग. I'm really tired, लेकिन I have to unpack right now, क्योंकि अगर मैंने अभी unpacking ना की तो कल का दिन भी ज़ाया हो जाएगा और मेरा final exam आने वाला है, so I can not afford that. भाई तो आई डिड नॉट रियली गेट अ चांस टू सिट डाउन एंड टेल यू गाइस व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. तो 2 मार्च को वी गॉट कॉल्ड बैक ऑन कैंपस, कोविड टेस्ट वगैरह हुआ. उसके बाद आज 3 मार्च है, कल से आज 4 मार्च है और आज से हमारे कुछ मिस जो लैब सेशंस हैं, कुछ एनाटमी सेशंस हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सके सही तरह, वो होंगे. एंड देन वी हैव आवर फाइनल एग्जाम, फाइनल प्रॉफ एग्जाम 15 to 19 मार्च. इसीलिए देर इज़ नो लाइक फन कॉन्टेंट राइट नाउ.
क्योंकि एवरीबडी इज़ लिटरली स्टडियंग. 9:15 हो रहे हैं और मेरा 11 o'clock सेशन है वो लैब है. आई एम गोना डू सम रिविजन अनटिल देन एंड या बेसिकली आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन बिकॉज दिस इज़ रियली मेस्ड अप. अच्छा भाई, तो पढ़ाई की बात हो रही है, प्रॉफ वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह एंड एवरीथिंग, तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे हु वॉन्ट टू गेट इन टू मेड स्कूल्स. ठीक है, तो उनके लिए मैं अगले एक दो मिनट मुझे दें. ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट नियर पीयर. बहुत सारे लोग मेरी पिछले वीडियो में कह रहे थे कि हमें बात करनी है या वी वॉन्ट टू हेयर दीज वर्ड्स फ्रॉम समवन हु हैज स्टडीड फ्रॉम नियर पीयर एंड गॉटन इन टू अ गुड कॉलेज. तो आई इंटरव्यू टू पीपल हु स्टडीड फ्रॉम नियर पीयर एंड दे आर इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज. एक का 195 स्कोर था, एक का 194 स्कोर था. आई टॉक टू देम, आई इंटरव्यूड देम एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से अबाउट नियर पीयर. माय नेम इज कासिम इफ्तिखार एंड आई जॉइंड नियर पीयर प्रीवियस ईयर एंड नाउ आई एम इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज. नियर पीयर इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. वीकली टेस्ट सेशन होता है और उसमें आपको परफॉर्मेंस ग्राफ अपना नजर आता है, आपको नजर आते हैं अपने वीक एरियाज और आपको पता चलता है कि कहाँ आपको रिवाइज करने की जरूरत है, कहाँ आपको काम करने की जरूरत है. और सबसे जो मेन बात है ना वो इनकी है, जो इनके व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप्स हैं उनके अंदर इनकी रेसिप्रोसिटी और इंटरेक्शन अमंग फेलो स्टूडेंट्स. काफ़ी लोग जो नॉन एक्सेसिबल एरियाज में होते हैं जहाँ पे कोई एकेडमीज वगैरह नहीं होती, वो जो है बड़े बड़े शहर हो जाते हैं मतलब एकेडमीज अटेंड करने, तो नियर पीयर की एक ये भी बात है कि इट्स वेरी एक्सेसिबल. ऑनलाइन है तो आप कहीं से भी, मतलब इंटरनेट तो आजकल हर जगह मिल जाता है, आप किसी गांव में भी अगर रहते हो यू कैन एक्सेस नियर पीयर. कहीं और अगर आप जाओगे, आप किसी जगह पे रहोगे, खाने पीने के खर्चे, तो इस लिहाज से भी आई थिंक आपको भी फील हुआ होगा कि जब आप एकेडमी जाते हो वहाँ पे इतनी खप होती है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में. नियर पीयर देखा जाए तो इसकी जो प्राइस है और जिसमें ये कोर्सेज अवेलेबल हैं सारे इसके, तो इट इज़ आलमोस्ट 1/10 ऑफ एनी फिजिकल एकेडमी. बहुत खर्चा होता है बाकी दूसरे शहर में जाना, वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ का रहना, तो वहाँ खर्चा भी होता है. यहाँ तो आप अपने घर में बैठे हैं ना, आप अपने फ्री एनवायरनमेंट में बैठे हैं और आप पे भी इतना नहीं करते. आप जब मर्जी चाहें, जिस तरह चाहें अपना शेड्यूल डिजाइन करें, अपना टाइम टेबल खुद डिजाइन करें और लिटरली आपके पास हर चीज अवेलेबल है इन योर हैंड. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन अब्बास है, मैं सियालकोट से ताल्लुक रखता हूँ. तो आई चोज नियर पीयर और अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड 194 मार्क्स इन एमडीकेट एंड आई गॉट एडमिशन इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी. वीडियो लेक्चर्स हैं, उसके अलावा जो है इनका 10,000 प्लस क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, उसमें आपको आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाती हैं कि यार ये इसका आंसर क्यों है. तो और फिर जो वीकली टेस्ट सेशंस और उसके बाद उसकी लाइव डिस्कशन, तो ये सारी चीज़ें मिला के मतलब हाउ हेल्पफुल वाज नियर पीयर इन फॉर यू स्कोरिंग द स्कोर दैट यू हैव राइट नाउ 194. नियर पीयर की जो अच्छी बात है कि उधर के टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, 24/7 मतलब आप अपने टीचर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं. दूसरी बात ये थी कि उनका क्वेश्चंस जब शुरू में टेस्ट सेशन हुआ, उनका टेस्ट हुए तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन मुश्किल होते गए. जो फेसबुक पे लाइव सेशंस होते थे टीचर्स के, जो टेस्ट को साथ साथ डिस्कस भी करते थे. मेरे ख्याल में नियर पीयर का जो सिस्टम है किसी और एकेडमी में इतना कोऑपरेटिव नहीं है टीचर्स जितने नियर पीयर के टीचर्स कोऑपरेटिव. सो एज यू कैन सी इट्स नॉट जस्ट मी, मेरी बात नहीं माननी तो इनकी बात आप मान लें. ठीक है, यू सीन हाउ दे स्टडीड फ्रॉम नियर पीयर एंड दे गॉट इन टू अमेजिंग कॉलेजेस. तो नियर पीयर इज एन अमेजिंग ऑप्शन. कोई भी आपको डेमो लेक्चर्स वगैरह देखने हो या डेमो टेस्ट देखना हो या काउंसलर वगैरह का नंबर, यू वॉन्ट एनी इन्फॉर्मेशन, एवरी थिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो चेक द डिस्क्रिप्शन, बाय द कोर्स इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ गुड मेडिकल कॉलेज एंड होपफुली यू विल गेट इन टू वन. तो विद दैट सेड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. यार मैंने अपने रूम के लिए एक शू रख लिया, सो आई एम गोना Yeah, I'm gonna try to make it because it's in pieces. लो समझ मुझे नहीं आती. ये देखो इतनी जगह इनने बनाई नहीं है कि यहाँ पे जो है तीन जूते लाइन में आए, और इतनी भी नहीं बनाई कि दो जूते सिर्फ आए. It's really awkward and weird. यहाँ पे फिट नहीं होता. Okay, anyway. Several days later. आना क्या हुआ है? लेकिन कौन बाहर है? यार इतने conscious है ना कैसे से क्या? अच्छा यार आज हमारा जो है ना prof खत्म हो गया. Viva रहता है लेकिन prof खत्म हो गया और ये Ayush है. आराम से. पता चले vlog महंगा बन गया.
ज़ूम कैसे करते हो? ज़ूम वूम नहीं है इसमें, ऐसे ये लेंस फिक्स्ड है भाई। ज़ूम कैसे कर रहा था ऐसे यार, ये क्या कर रहा है? वापस दिमाग बन के हमारा कह रहा है। Several days later. Finally, we are done with prof. आज हमारा वाइवा था, फुल जो है कोट शोट पहना हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, लेकिन आई एम ग्लैड आई गॉट थ्रू इट। बहुत ज़्यादा थका हुआ और मेरा कमरा जो है ना, इट इज़ सो मेस्ड अप। ये देखें भाई, तो आज तो मैंने जो है अपना कमरा साफ करना है। आई एम गोना टेक सम रेस्ट और उसके बाद जो है आई एम गोना क्लीन माई रूम। आई एम जस्ट रियली ग्लैड इट्स ओवर मैन, इट्स बीन रियली हेक्टिक बट आई एम फाइनली free. So yeah. Hi guys. Hi guys. OMG, it's Khatra. So we're going to the beach. अभी 6:10 हो रहे हैं, ठीक है, और हम sunrise देखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से गाड़ी में ही sunrise होगा क्योंकि 5-10 मिनट में निकलने वाला है sun. क्या सी हरकतें कर रहे हो? Assalamualaikum. क्या हरकतें कर रहे हो? ये मेरे record नहीं कर रहा। सनराइज का धोखा हुआ है हमारे साथ। नहीं है, अभी आएगा, फिक्र ना, आएगा आएगा। पत्थर में तैरते गिरते तो सर फट जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। क्या हो जाता है सर? पढ़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बस यार, तुम वीडियो बना रहे हो यार, देना ये वीडियो बनाने की जगह नहीं। बंद करो वीडियो। कुछ बने नहीं आ रहा, चुप कर, तभी तो चुप बैठा हूँ मैं। गाना सुनाओ, चलो आप एक लाइन। सुबह का वक्त है, नमाज का टाइम, दुआ कर, अल्लाह से दुआ करने। फजर कितने बजे होती है? आज पता चला फजर जल्दी होती है। अभी वो मैं उठता 6:30 बजे। How do I film this? What do you mean? Don't put this in a video, please. Hair tips. Pantene. For life. Oh. I just want to say this is so pretty. Look, it's so peaceful. Look. No, yes, no, not that. That's so peaceful. Guys, look. Ocean. ये ocean नहीं। अभी हम किधर जा रहे हैं? नाश्ता करने। नाश्ता करने हम जा रहे हैं। बोर्ड बेसन। बोर्ड बेसन हम जा रहे हैं। लगेगी क्या कर रहे हो? हम इधर खाना खा रहे हैं। हाय गाइस, किसी के चिकन चीज बारबेक्यू चीज यार, उसको बताएंगे। ये हाशिम है, हाशिम शक्ल शक्ल है अपनी। नहीं नहीं प्लीज, मेरी वीडियो नहीं बनाए। बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहे हैं। बहुत हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हाशिम तेरा दर्द दे पाकिस्तानी क्या जापानी कोई दर्द नहीं और ये लगा देगा, लगा देगा, ये बड़ा मसला हो जाता है। क्या कहना चाहता है? मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। क्या कहना? चाय चाय। हाँ हाँ। चाय। और अबे हटा ना, क्यों उड़ा खतर में, गलत बात है, नहीं करो ये हॉस्टल शादी। हाय गाइस यार, बुशो के साइड पे करो तुमने भी ये नहीं चेक किया मेरी गाड़ी का। आज हम क्या करेंगे? वैक्सीनेशन। हम फाइनली आज जो है कोविड की वैक्सीन लगा रहे हैं। ऐसे ना हो हम वॉक इन करें मेरे ना लगाए। और यही हो रहा है क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं है हमारी। हाँ, अभी कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन हो जाए। यार अब शाम और मैं चाय पी रहे हैं, मॉर्निंग चाय।
यार फॉर्म फिल कर लिया हमने और अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई है, सारी पब्लिक आई हुई है वैक्सीनेशन के लिए, तो कुछ टाइम लग रहा है लेकिन वर कैन गेट द वैक्सीन डन टुडे। लग रहा है कि सीधा सीधा सामी भाई वैक्सीन लग गई है, सबर अभी फोकस है कि कोई साइड इफेक्ट्स है इसलिए हम इधर बैठे हैं, तो हाँ ना 5-10 मिनट रुक जाते हैं मैं तो कह रहा था कि 10-15 मिनट रुक जाते हैं, अब सामने का नहीं चलते हैं, तो अभी अगर कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो अब सामने इंशाल्लाह तो जो होगा ठीक है।